Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in our today's session. Today's session is the continuation of last time discussion in which we were talking about performance management. So today we'll be learning how to design performance appraisal system. The main objectives of today's session would be, number one, identify the characteristics of an effective appraisal program. Number two, to identify the competencies for the jobs in your organization. Number three, explain performance objectives and individual development plans. Number four, designing key result areas, key performance indicators for various functions. And number five, we'll be talking about conducting appraisals. Now, first of all, we need to look at the concept of strategic concern, which is talking about strategy-based performance management. अब जब हम strategy-based performance management की बात करते हैं तो इसका आगाज होगा organization के strategic business plan से, और strategic business plan में no doubt organization को अपने strength, weakness, opportunity, threats का पता होगा, organization को अपने objectives का पता होगा, mission, vision का अंदाजा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वैल्यूज का पता होगा जिन पर बेस्ड नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज अपना कंपेटिटिव एडवांटेज वो जनरेट करती हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में किस तरीके से ट्रांसलेट होते हैं, इसके तरीके का ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को तीन एस्पेक्ट्स में डिफाइन करेंगी, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड ऑब्जेक्टिव सेटिंग होगी ये पोस्ट हो जाएगी तमाम डिपार्टमेंट्स को, और हर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को दे अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एरियाज, फिर हर डिपार्टमेंट के की रिजल्ट एरियाज को देख और अगेंस्ट दोस की परफॉर्मेंस। सो ये सारी जाएंगे प्लान और डेफिनेशन ऑफ मिशन, विजन एंड वैल्यूज के हवाले से वो कंडक्ट होती है। अब जब हमने हर किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू द केआरएस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऐड कर दिए तो यहां से हमारा साइकिल शुरू होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है जिसको हम फेज वन का नाम दे रहे हैं, दैट इज परफॉर्मेंस प्लानिंग। और परफॉर्मेंस प्लानिंग की स्टेज पर हमारे पास अगले माली साल के लिए ऑब्जेक्टिव्स, उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज और उन रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज के हवाले से इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स, ये सब डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद हम ये भी साथ डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, और अगर उन कॉम्पिटेंसीज में कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के जरिए असेस करके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम उस हवाले से डिजाइन करेंगे। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से
हमारे पास हाउ एंड व्हाट के जवाब वो आ जाते हैं कि हमें क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है. सो कॉम्पिटेंसीज हमारे पास हाउ पार्ट को एड्रेस कर रही हैं, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव्स विच इज द व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसको अचीव करेंगे. फेज वन की तकमील के बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स फेज टू. जब प्लानिंग हमारी पूरी हो गई तो फेज टू में हम मॉनिटरिंग एंड कोचिंग करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स कॉम्पिटेंसीज एंड आईडीपीज अगेन यही तीन चीजें काउंट होती हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या अचीव हो रहे हैं, कॉम्पिटेंसीज कौन सी दरकार हैं, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स हम आइंदा के लिए वो अपने तय कर रहे होते हैं. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कोचिंग हम लोगों को ट्रेन एंड डेवलप करेंगे और उनसे ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करवाएंगे. इसके बाद हम फेज थ्री में पहुंचते हैं. फेज थ्री अगेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं और इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, और यह देखा जा रहा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे और जो परफॉर्मेंस हमें रिसीव हुई उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है. अगर डिस्क्रिपेंसी है तो हमने इस सारे सिस्टम को री एनर्जाइज करना है, री इंजीनियर करना है, किस तरीके से अपने करेक्टिव एक्शन लेने हैं, किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना है, किस तरीके से हमने फर्दर एफिशिएंसी को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करनी है. और अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं इन केस ऑफ री एनर्जाइजिंग, तो फिर हम दोबारा अगले माली साल के लिए परफॉर्मेंस प्लानिंग वो अपनी बनाएंगे, फिर इसको मॉनिटरिंग एंड कोचिंग में लेकर जाएंगे और फिर आपकी वैल्यूएशन स्टेज वो होगी. ये सारा साइकिल तकरीबन एक साल का अरसा वो लेता है. एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम आमतौर पर अपनी सारी प्लानिंग करते हैं. अब इस सारी प्लानिंग के दौरान मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं वो आप नोट कर लीजिए. मैनेजर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएट कंडीशंस दैट मोटिवेट. सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपडेट ऑब्जेक्टिव्स, जो कि स्मार्ट होने चाहिए हमेशा, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम फ्रेम्ड हो. फीडबैक्स के हवाले से, ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज वो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को अपग्रेड भी कर सकें. अपने एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ अपनी प्रमोटेबिलिटी के बारे में भी उनकी प्लानिंग मौजूद हो, कैरियर प्रोग्रेशन के अपॉर्चुनिटीज उनके पास मौजूद हो. इसी तरह अगर कोई बेहतर हमें कंसर्न शो कर रहा है, परफॉर्मेंस शो कर रहा है, तो हम उसको, उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स भी करेंगे. ये तो हो गई मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जब हम एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो एम्प्लॉय का सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि जो उसको टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दिए गए उनको वो अचीव कर रहा हो, फीडबैक डिमांड कर रहा हो, और कोचिंग जहां पर उसको जरूरत है वो उसको मिले भी और वो डिमांड भी करे, वो कम्युनिकेट करे तमाम इश्यूज को ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में, वो कलेक्ट एंड शेयर करे डेटा जो कि उसको अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, और वो साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अपनी प्लानिंग भी मुकम्मल रखे कि उसने साल भर के लिए क्या किया, आइंदा साल में उसे क्या करना है. सो जितने भी उसकी रिव्यू मीटिंग्स हैं उनके बारे में रिकॉर्ड कीपिंग करना, अपने आप को अपडेट रखना, ये भी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है, ताकि जब कभी भी हम फेज वन से फेज टू, फेज टू से फेज थ्री में जा रहे हैं तो वहां पर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड सारे जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड वो हों. सो इस सारे कंसर्न को हम स्ट्रेटेजी बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक नाम वो दे सकते हैं. अब इसको हम एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में देखते हैं. इन द स्टार्ट जब हमने बिजनेस को, इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज करना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जो एवेल्युएट होती थी दैट वॉज ट्रेट. सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनको एवेल्युएट किया जाता था कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें किस किस्म की पर्सनैलिटी ट्रेट्स की जरूरत है. फिर वो ट्रेट असेसमेंट जो थी वो आगे चलकर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट हुई, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर में आज भी ACR के नाम से जानते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, जिसमें के एक एम्प्लॉय की साल भर की जो परफॉर्मेंस है
एक एम्प्लॉय की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हैं, उसके जो बिहेवियरल कंसर्न्स भी हैं, उन सब चीजों को वैल्यूएट किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर जरूरत फील हुई कि हम लोगों की परफॉर्मेंस को सिर्फ ट्रेट्स और पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स में ना कैलकुलेट करें, हम उनको ऑब्जेक्टिव मेजर्स में भी असेस करें और उन ऑब्जेक्टिव मेजर्स को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ग्रुप लेवल के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर वो असेस किया जाना चाहिए। अब किसी भी शख्स की जो परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सी इक्वेशन आती है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एबिलिटी इनटू मोटिवेशन इनटू ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। और ये सारी दास्तान जिसमें कि एबिलिटी, मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट करामद होगी, इट वुड बी सब्जेक्टेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। इस इक्वेशन में जब हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एबिलिटी आपकी इनहांस होगी ट्रेनिंग से, रिट्रेनिंग से, इंस्ट्रक्शन से। मोटिवेशन के हवाले से हमें क्लियर होना चाहिए कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं, कंपनी की पॉलिसीज, डिपार्टमेंटल एटमॉस्फियर, पर्सनल मैटर्स, इन सब चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पोस्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, डेवलपमेंटल प्लान ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड कर रही है, सो इन सब चीजों को देखना हमारे लिए जरूरी होगा। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में देखा था। सबसे पहली चीज है ऑब्जेक्टिव्स, जिसको आपका ऑथर लिखता है कि आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएटिंग एम्प्लॉइज मेजर वर्क ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज ए मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स, जिसको हम हमेशा स्मार्ट फैशन में डिजाइन करेंगे। उसके बाद कॉम्पिटेंसीज, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंपैक्ट रिजल्ट्स। और जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स IDPs टू एनहांस एम्प्लॉई स्ट्रेंथ्स एंड टू क्लोज परफॉर्मेंस गैप्स एज डिटरमिंड बाय कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशन। अब इस सारे मामले में टिप ऑफ द डे याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा व्हाट को एक्सप्लेन करते हैं जॉब से रिलेटेड, और कॉम्पिटेंसीज हमें हाउ के बारे में बताती हैं कि हम इसको अचीव एक्चुअली करेंगे कैसे। नाउ इफ एन एम्प्लॉई फेल्स टू मीट सर्टेन जॉब या वर्क ऑब्जेक्टिव्स, द कॉम्पिटेंसी वैल्यूएशन विल टिपिकली रिवील द रीजंस व्हाई। ठीक है, हम कॉम्पिटेंसीज को कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वजह हो रही है, कि किस वजह से एक एम्प्लॉई ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव वह नहीं किया। एन एम्प्लॉई कैन मीट देयर परफॉर्मेंस टारगेट्स येट बी रूड टू कस्टमर्स, डिस्टर्ब द टीम एंड फेल टू कीप कमिटमेंट्स। अब ये एक बड़ा टिपिकल एस्पेक्ट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि उसकी परफॉर्मेंस टारगेट्स में सपोज अगर आपने सिर्फ रिजल्ट्स को काउंट किया हुआ था और वो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स तो अचीव कर रहा है लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी टीम को डिस्टर्ब कर रहा है, वो कस्टमर के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो अपने कमिटमेंट्स को सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहा है, तो ये सब चीजें भी इवैल्यूएट होनी चाहिए। सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉई विद परफॉर्मेंस फीडबैक ऑन कॉम्पिटेंसीज गिव्स देम द इंफॉर्मेशन they need to be successful। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो बाज़ों का ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो है वो अचीव नहीं होती कमिटमेंट के बगैर। स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन पे अपना ट्रस्ट लूज कर जाते हैं। देयरफॉर जो बिहेवियरल कंसर्न्स हैं अलोंग विद द रिजल्ट्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इन सब चीजों को वैल्यूएट करना जरूरी होगा। अब जो तीन फेजेस हमने डिस्कस की थी इसको थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट कर लेते हैं। फेज वन वाज परफॉर्मेंस प्लानिंग, उसके बारे में वो कहता है कि ड्यूरिंग फेज वन सुपरवाइजर्स एंड देयर डायरेक्ट रिपोर्ट्स जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, दे आइडेंटिफाई मेजर वर्क ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि KRA, KPA, KPIs डेवलप किए जाते हैं, रिव्यू कॉम्पिटेंसीज कि उनको अचीव करने के लिए कॉम्पिटेंसीज कौन सी रिक्वायर्ड है, establish individual development plans IDPs, identify action steps for achieving both the performance objectives and personal development। ठीक है, आज हम action steps के ऊपर भी बात वो कुछ करेंगे कि किस तरीके से action steps को भी develop वो किया जाता है। इसके बाद phase 2 monitoring and coaching, इसमें कहा जा रहा है कि during phase 2
सुपरवाइजर्स वर्क क्लोजली विद डायरेक्ट रिपोर्ट्स जो कि उसके सबॉर्डिनेट्स हैं टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड दे कंडक्ट मीटिंग्स विद देम जिसमें कि हम मेजर वर्क ऑब्जेक्टिव्स को गो थ्रू करते हैं एंड फॉलो थ्रू विद प्लान्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इस फेज टू में आपका ऑथर लिखता है कि फेज टू इज रियली द बैकबोन ऑफ द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एम्प्लॉइज नीड रेगुलर रीइंफोर्समेंट टू हेल्प मेंटेन फोकस ऑन देयर गोल्स एंड गेट रेगुलर एनकरेजमेंट टू पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सेकेंड स्टेप वो कहता है कि देयर इज अ रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक। सम ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर फॉर्मल मॉनिटरिंग एंड कोचिंग सेशंस ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। हम हर चार माह के बाद अपना ये सेशन इसको हम नेक्स्ट फेज में लेकर जा सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। इन अदर्स सुपरवाइजर्स इनकॉर्पोरेट मॉनिटरिंग एंड कोचिंग इनटू देयर एवरीडे इंटरेक्शन विद देयर डायरेक्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, सो रोजमर्रा भी कैलकुलेट हो रहा होगा और क्वार्टरली भी हम हर तीन माह बाद चार माह बाद भी अपनी वैल्यूएशन वो कर सकते हैं कि हाउ वेल वी आर प्रोग्रेसिंग। स्टेप थ्री जो हमारे पास आ रहा है इवेल्युएशन का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग फेज थ्री सुपरवाइजर्स इवेल्युएट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स एंड कॉम्पिटेंसीज। और ये आमतौर पर आपका साल के एंड पर वो हो रहा होगा। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर्स परफॉर्म अ यूनिलैटरल असेसमेंट ऑफ ऑल थ्री। हाउएवर द प्रोसेस इज मच मोर इफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट फुली बाय कंप्लीटिंग सेल्फ असेसमेंट्स of their objectives and competencies. Even when employee self-assessment are inaccurate, there can be tangible benefits from a process that require employees to think through their degree of proficiency in the competencies most important for success. ठीक है, बासुकात आपका जो supervisor है सारा assessment वो ही खुद कर रहा होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका कार यह है कि आप एम्प्लॉय की जो पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉय का जो फीडबैक है, एम्प्लॉय का जो कंसर्न्स हैं, उन सब को भी आप काउंट करें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि सारी डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स क्या थे, एम्प्लॉय की डेफिशिएंसी इन कॉम्पिटेंसीज वो क्या थी, और अगर वो बेहतर काम भी कर रहा है तो हम उसको अप्रोप्रिएटली कंपनसेशन और बेनिफिट्स वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आमतौर पर साल के एंड पर, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर का नाम दे रहे हैं, आप इस सारी असेसमेंट को टेक्निकली इवेल्युएट करोगे और एक फॉर्म आपका फिल किया जाएगा जो कि असेसमेंट फॉर्म या अप्रेजल फॉर्म वो कहलाएगा। आप जॉब ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट देख लीजिए कि आपने जब ऑब्जेक्टिव सेटिंग करनी है तो ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से सेट किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप लिखा हुआ है कि डू दे कवर ऑलमोस्ट ऑल एरियाज एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब वेयर आई एम लाइकली टू मेक अ डिफरेंस। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट के पास जो भी केआरएस हैं, की रिजल्ट एरियाज हैं, तो क्या तमाम की रिजल्ट एरियाज के मुताबिक आपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर ली है। आर द लिंक्स टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट और द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू दे फुलफिल द स्मार्ट क्राइटेरिया। डू दे गिव सेंस ऑफ डायरेक्शन, उसकी चेकलिस्ट है कि जिससे आपको अंदाजा भी हो रहा हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली परफॉर्म कर क्या रहे हो। उसके बाद डू दे क्लेरिफाई माई रोल, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जॉब परस्पेक्टिव के साथ अलाइन होनी चाहिए। डू आई हैव एन एक्टिविटी लिस्ट और एक्शन प्लान फॉर ईच जॉब ऑब्जेक्टिव। क्या हर जॉब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मेरे पास उसकी चेकलिस्ट, मेरे पास उसकी डिटेल, मेरे पास उसके टारगेट्स वो मौजूद हैं कि नहीं है, पूरा एक एक्शन प्लान मुझे दिया गया कि नहीं दिया गया। डू दे रिलेट टू माई परफॉर्मेंस एज कंट्रास्टेड विद दैट ऑफ माई सबॉर्डिनेट्स पीयर्स एंड सीनियर्स। ठीक है, तो मुझे यह भी देखना है कि जो टारगेट्स मुझे दिए गए हैं वो टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड कैसे हैं, बकिया एम्प्लॉयज के जॉब्स के साथ एसोसिएटेड कैसे हैं, और उनकी जॉब परफॉर्मेंस और मेरी जॉब परफॉर्मेंस के लेवल्स जो हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहा जा रहा है कि डू दे इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच आई विल बी स्पेंडिंग माई टाइम एंड द एक्सटेंट टू विच ईच इज इम्पॉर्टेंट। और साथ ये भी देखा जाए कि जो टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में अचीव कर रहा हूं, उन टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट में
मुझे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेरी जॉब ड्यूटी का कितने परसेंट टाइम वो एलोकेट होगा हर एक KRA से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को, सो दैट मैं कहीं ये ना हो कि किसी माइनर टास्क को ज्यादा टाइम एलोकेट कर दूं और कोई मेजर और क्रिटिकल टास्क जो है वो इग्नोर हो रहा हो। अब इस सारे मामले से रिलेटेड आपने एक्शन प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में वो लिखता है कि एक्शन प्लान डिस्क्राइब्स द स्पेसिफिक स्टेप्स माइलस्टोन्स एंड रिसोर्सेज प्लान्ड बाय अप्रेजी टू अकम्प्लिश द KRA और रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज अगर एक टेक्सटाइल यूनिट है, उस टेक्सटाइल यूनिट में आपने की रिजल्ट एरिया आइडेंटिफाई किया ऑर्डर बुकिंग, और आपने एम्प्लॉई को टारगेट दिया ऑफ ₹20 करोड़। सो उस केस के हवाले से आपके एक्शन प्लान्स कैसे सेट किए जाएंगे, उन एक्शन प्लान्स की लिस्ट यहां पर दर्ज है। नंबर वन, स्कैन द मार्केट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। नंबर टू, एनालाइज एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस टू आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटीज ऑफ रिपीट ऑर्डर्स। ये एक्शन प्लान्स हैं जो हम एम्प्लॉय को बताएंगे कि उसने 20 करोड़ का जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। रिड्यूस साइकिल टाइम टू सबमिट प्रपोजल्स एंड टेंडर। कंडक्ट एनालिसिस identifying reasons for loss of past orders and determine whether loss was due to technical or commercial reasons. इसी के साथ साथ gather market intelligence on pricing strategy of competitors and keeps units abreast of the same. ठीक है, आप market सारी information को समझते हो, वो organization के साथ आपकी shared हो, and have an ongoing discussion with units to bids being prepared so as to ensure that optimal techno commercial bid is prepared. तो कहीं पर ऐसा नहीं हो कि आपकी बिडिंग में एरर आ जाए या आप किसी टेक्निकल रीजन की वजह से अपनी बिडिंग को लूज कर जाओ। सो एक सिंक्रोनाइजेशन पैटर्नाइजेशन वो होनी चाहिए बिटवीन योर मार्केट इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव एंड थॉट, ताकि हम अपनी सेल्स को, अपने टारगेट्स को अच्छे तरीके से अचीव वो कर सकें। सो दैट इज हाउ action plans are set once the KRAs and the targets are determined. The next step is that some questions we can ask ourselves while we set objectives, jo apne aap se hum puch sakte hain related to organizational concerns and obviously job duties. Pehla jo question hum apne aap ko puch sakte hain objectives se related wo hoga ki what are the areas of my activity, किन किन एस्पेक्ट्स पे मुझे फोकस करना है, और वो तमाम एस्पेक्ट्स मेरे पास हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी में होने चाहिए। व्हाट आर द फाइनल आउटकम्स ऑफ माय एक्टिविटीज, जो भी काम मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसका हासिल क्या है। व्हाट आउटकम्स आर डिजायर्ड बाय माय मैनेजमेंट, लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो मुझसे क्या तवक्कुआत रखे हुए हैं। व्हाट इज द डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में। What is significance about the job I do? What are the interesting, useful achievements of the past as regards to your job? So, ये तमाम वो चीजें हैं जो आप अपने आप को during your job performance, working procedures, आप developmental context में पूछ सकते हो, ताकि आपको अपनी picture clear होती रहे कि आपको organization में होने का main मकसद क्या है और उस आपके होने से organization क्या achieve कर रही है। इतना सारा टेक्निकल चीजें एस्टेब्लिश करने के बावजूद भी अप्रेजल प्रोग्राम्स क्यों फेल कर जाते हैं, उसकी कुछ रीजंस देख लीजिए। सबसे पहले रीजन हो सकती है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट, मींस टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है सारे प्रोसेस में। अनक्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, KRA KPIs प्रॉपरली डेवलप ही कभी नहीं किए गए। ग्रेटर बायसेस हो सकती है, प्रेजुडिस एटीट्यूड हो सकते हैं, फेवरेटिज्म हो सकता है, ह्यूरिस्टिक्स हो सकते हैं कि जो आप के परफॉर्मेंस अप्रेजल को पोल्यूट कर रहे हो, और इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है कि आपने अननेसेसरीली क्रिएट कर दी हो। और यूज ऑफ अप्रेजल प्रोग्राम फॉर कन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल पर्पसेस भी आपका एक इशू हो सकता है, जिसकी वजह से अप्रेजल का ओवरऑल जो कंसर्न है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा क्या रीजंस हो सकती हैं, आपका ऑथर लिखता है कि देर आर मेनी रीजंस व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स माइट नॉट बी इफेक्टिव। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड आर बेसिकली द फॉलोइंग।
नंबर वन इनएडिक्वेट प्रेपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर, आपने पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो सिस्टम है उसकी प्रेपरेशन ही नहीं की है. Employees not given clear objective at the beginning of performance period. Manager may not be able to observe performance or have all the information. Performance standards may not be clear. Inconsistency in ratings among supervisors or other raters. ये एक problem हो सकती है कि आप की जब evaluation की जा रही है तो कुछ जो evaluators हैं वो lenient एटीट्यूड यूज कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड यूज कर रहे हैं, तो फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास एक डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं रहती. रेटिंग पर्सनैलिटी रादर देन परफॉर्मेंस एक और एरर हो सकता है. इसका यह मतलब नहीं कि आपने पर्सनैलिटी को कैलकुलेट नहीं करना, इसका बेसिक मतलब ये है कि पर्सनैलिटी अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस दोनों चीजें मैयर होनी चाहिए. और हालो इफेक्ट, कंट्रास्ट इफेक्ट और इस तरह के बहुत सारे परसेप्चुअल एरर्स जो हैं वो भी आपके प्लूट कर सकते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं इस सारे सिस्टम को. इसके अलावा जो रीजंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वुड आल्सो इंक्लूड इन अप्रोप्रिएट टाइम स्पैन, या तो बहुत अरसा आपने वैल्यूएशन नहीं किया, आप हर महीने वैल्यूएशन वो कर रहे हो, सो दोनों केसेस में टू शॉर्ट और टू लॉन्ग इट वुड बी रॉन्ग. ओवर एम्फेसिस ऑन अनकैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस, तो जो चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, मैयर नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर बहस भी जरूरी नहीं होनी चाहिए. इनफ्लेटेड रेटिंग्स बिकॉज मैनेजर्स डू नॉट वांट टू डील विद बैड न्यूज, तो आप असल परफॉर्मेंस को एलिवेट करने के बजाय सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस शो करने के लिए इनफ्लेटेड रेटिंग्स कर रहे हो, विच इज अगेन आपके सिस्टम को पोल्यूट कर देगी चीज. सब्जेक्टिव और वेग लैंग्वेज इज रिटन इन अप्रेजल्स, जिससे कोई ऑब्जेक्टिव रिजल्ट हम हासिल नहीं कर सकते हैं, ना हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स शुरू हो सकती हैं, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, लॉबिंग, कई तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं. पर्सनल रिलेशनशिप्स क्लाउड जजमेंट, ये एक बहुत बड़ा इशू है. नो थॉरो डिस्कशन ऑफ कॉजेज ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, ये एक प्रॉब्लम हम सब फेस कर लेते हैं. एंड मैनेजर मे नॉट बी ट्रेंड at evaluation of giving feedback and no follow-up and coaching after the evaluation. So, yeh reasons ho sakti hain jiski wajah se aapka performance ka jo system hai wo sahi taur par evaluate nahi ho paata. Ab agar hum 360 degree feedback ki baat karein, to 360 degree feedback ke hum kuch pros and cons dekh lete hain. सबसे पहले इसके प्रोस देखिएगा कि द सिस्टम इज मोर कंप्रीहेंसिव इन दैट रिस्पॉन्सेज आर गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव. आपका सबॉर्डिनेट भी, आपका सुपरवाइजर भी, आपके कोलीग्स भी, आपका कस्टमर भी, सब लोग आपको एवेल्युएट कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है. क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेटर, इससे TQM की इंप्लीमेंटेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो इंप्लीमेंटेशन है वो आसान हो जाती है, बिकॉज हमें मल्टीपल परस्पेक्टिव में क्लाइंट्स के हवाले से भी, कस्टमर्स के हवाले से भी, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पर्सपेक्टिव्स के हवाले से भी बहुत सारा डाटा मिल जाता है. सो इट कंप्लीमेंट्स TQM इनिशिएटिव्स बाय एम्फसाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड टीम्स. इट मे लेसन बायस प्रेजुडिस सिंस फीडबैक कम्स फ्रॉम मोर पीपल नॉट वन इंडिविजुअल. सो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर हम इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, तो जब आप बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो बायसनेस का चांस वो कम हो जाता है. एंड फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड अदर्स मे इंक्रीज employee self-development. तो ये सब हमारे पास पॉजिटिव साइड्स हैं 360 डिग्री फीडबैक की. लेकिन अगर हम अदर साइड ऑफ द पिक्चर देखें तो द सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स इन कंबाइनिंग ऑल द रिस्पॉन्सेस. बहुत सारा डाटा चूंकि होगा, तो हर किस्म के लोगों की, हर किस्म की फीडबैक कंसर्न्स को हम शायद अकोमोडेट ना कर सकें. फीडबैक कैन बी इंटिमिडेटिंग एंड कॉज रिजेंटमेंट इफ एम्प्लॉई फील्स द रिस्पॉन्सेज हैव रिस्पोंडेंट्स हैव गैंग्ड अप. तो बाजूकात हमें ये लगता है कि जैसे सब लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की हुई है अगर हमारा जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव ना आ रहा हो. सो देर मे बी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस, दो दे मे ऑल बी एक्यूरेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टैंड पॉइंट्स. सो कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस हमारे सामने आ सकते हैं. सपोजिटली सबॉर्डिनेट समझते हैं कि आप बहुत अच्छे सुपरवाइजर हो, लेकिन आपका सुपरवाइजर समझता है कि आप अच्छे सबॉर्डिनेट नहीं हो, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ सकती है. द सिस्टम requires training to work effectively. Employees may collude or game the system by giving invalid evaluation to one another.
क्योंकि 360 डिग्री फीडबैक के केस में आपको पता है कि आपके कोलीग ने आपको वैल्यूएट करना है और आपके कोलीग को पता है कि आपने उसको वैल्यूएट करना है. सो आइदर केस में हम आपस में एक गठजोड़ कर सकते हैं, हम एक पॉलिटिकल गेम खेल सकते हैं और विन विन सिचुएशन में हम दोनों अपने आप को लेकर आ सकते हैं. सो अप्रेजर्स मे नॉट बी अकाउंटेबल इफ देयर वैल्यूएशंस आर एनोनिमस. सो ये सब हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं, इश्यूज हैं जो कि 360 डिग्री फीडबैक के साथ एसोसिएटेड है. सो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इंटीग्रिटी सेफगार्ड्स कैसे हो सकती हैं? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि एश्योर एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, मेक रेस्पोंडेंट्स अकाउंटेबल, प्रिवेंट गेमिंग ऑफ द सिस्टम, यूज स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स एंड आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई बायसेस. सो ये तमाम हमारे पास कंसर्न्स हैं जो कि 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल सिस्टम की इंटेग्रिटी का सेफ गार्ड वो इंश्योर करवाती हैं. अब जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करना है तो उसके हवाले से कुछ सुपरवाइजर चेकलिस्ट पॉइंट्स है हमारे पास. सबसे पहले आपको जिस चीज का ख्याल रखना चाहिए वो है स्केड्यूलिंग. और स्केड्यूलिंग में आपकी बुक बात करती है कि स्केड्यूल द रिव्यू एंड नोटिफाई द एम्प्लॉई 10 डेज और 2 वीक्स इन एडवांस ताकि वो अपनी प्रेपरेशन भी कर ले, अपना होमवर्क भी कर ले. नंबर टू, आस्क द एम्प्लॉई टू प्रिपेयर फॉर सेशन बाय रिव्यूइंग हिज और हर परफॉर्मेंस, जॉब ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट गोल्स. एंड नंबर थ्री, क्लियरली स्टेट दैट दिस विल बी द फॉर्मल एंड एनुअल अप्रेजल पीरियड. उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर द रिव्यू में पहला पॉइंट हमारे पास है कि रिव्यू द परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन कलेक्टेड थ्रू द ईयर, कंसंट्रेट ऑन वर्क पैटर्न्स दैट हैव डेवलप्ड. सो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी होनी चाहिए, उसके तमाम जो रिजल्ट्स हैं, जो टारगेट्स उसने अचीव किए, जो अचीव नहीं कर सका, उन सब की डिटेल क्वांटिफाइड फॉर्म में, क्वालिटेटिव कॉन्टेक्स्ट में आपके पास डॉक्यूमेंटेड होने जरूरी है. नंबर टू, बी प्रिपेयर्ड टू गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ अबव और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस. नंबर तीन, व्हेन परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस डिटरमिन व्हाट चेंजेस नीड टू बी मेड. If performance meets or exceeds expectations, discuss this and plan how to reinforce it. Number four, if the appraisal is written, set it aside for a few days and then review it again. कहीं उसकी वजह यह होती है कि कहीं पर कोई biasness वो ना हो रही हो. And follow whatever steps are required by your organization performance appraisal system. तो ये सब हमारे पास checklist points हैं when you are preparing for the review. और जब आपको कंडक्ट करना है उसके बारे में वो कहता है कि नंबर वन, सिलेक्ट ए लोकेशन दैट इज कंफर्टेबल एंड फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. द लोकेशन शुड एनकरेज अ फ्रैंक एंड कैंडिड कन्वर्सेशन. नंबर टू, डिस्कस ईच टॉपिक इन द अप्रेजल वन एट अ टाइम कंसिडरिंग बोथ स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग्स. नंबर तीन, बाय स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव नॉट जर्नल एंड जजमेंटल रिपोर्ट अकरेंसेस rather than evaluating them. Number four, discuss your differences and resolve them. Solicit agreement with the evaluation. Number five, jointly discuss the design. Jointly discuss and design plans for taking corrective action for growth and development. And number six, maintain a professional and supportive approach to the appraisal discussion. ठीक है, तो हमारा जो मकसद होना चाहिए वो मकसद क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव बेटरमेंट होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव अपग्रेडेशन होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव विन विन कॉन्टेक्स्ट में डेवलप वो होना चाहिए. सो ये हमारे पास एक सुपरवाइजर चेकलिस्ट है जिसमें कि स्केड्यूलिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द रिव्यू और जब हमने कंडक्ट करना है रिव्यू, इन सब के बारे में हमें गाइडलाइंस वो मिल रही है. यहाँ पर हमारा आज का सेशन वो खत्म होता है. इंशाल्लाह यहीं से अपनी नेक्स्ट डिस्कशन को हम शुरू करेंगे. नेक्स्ट सेशन जूम मीटिंग में बेटा ज्वाइन कीजिएगा.